यूक्रेन को तीन तरफ से घेर चुकी रूस की सेना अब हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में नजर आ रहा है कि यूक्रेन की उत्तरी सीमा पर रूसी सेना की हलचल काफी बढ़ गई है। अब तक अपनी बैरक में रह रही रूसी सेना ने मैदान में मोर्चा संभाल लिया है। इस बीच यूक्रेन में जंग को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच जल्दी शिखर बैठक हो सकती है। यूक्रेन में जंग के खतरे से पूरी दुनिया में भय का माहौल है और लोगों को डर सता रहा है कि कहीं यह तीसरे विश्व युद्ध में ना बदल जाए। रूस की सैन्य तैयारी के बीच मैक्सर के सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि बड़ी संख्या में घातक हथियार और सैनिक बेलगोरोड के पश्चिम उत्तर हिस्से सोलोती और वालुयकी में देखे गए हैं। रूस के ये कस्बे यूक्रेन की सीमा से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इन हालातों में रूसी सेना की पहले की तैयारी और अब की तैयारी में बदलाव आया है। अब तक रूस ने अपने ज्यादातर हथियारों को सैन्य ठिकानों और प्रशिक्षण स्थलों पर तैनात कर रखा था। यही नहीं, रूस के कुछ हथियार तो यूक्रेन की सीमा के मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर तैनात है। रूस के करीब 200 टैंकों को यूक्रेन की सीमा से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर जाते हुए देखा गया है। यूक्रेन सीमा पर जा रहे टैंकों पर जेड लिखा हुआ है। इससे संकेत मिलता है कि इन्हें लड़ाकू यूनिट के रूप में बनाया गया है। इस बीच रूस ने रविवार को यूक्रेन की उत्तरी सीमाओं के पास सैन्य अभ्यास का विस्तार कर दिया। वहीं पूर्वी यूक्रेन में सैनिकों और रूस समर्थित अलगाववादियों के बीच लगातार 2 दिन हुई गोलाबारी से हमले की आशंका और बढ़ गई है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने संघर्ष विराम की अपील की है। बेलारूस के रक्षा मंत्री विक्टर खिनिन ने कहा है कि यूक्रेन को लेकर बढ़ते तनाव के कारण रूसी सैनिकों के साथ उनके देश का संयुक्त अभ्यास जारी रहेगा। पहले के कार्यक्रम के मुताबिक यह अभ्यास रविवार को खत्म होना था। यूक्रेन की उत्तरी सीमा बेलारूस से लगती है, जहां वाहनों से पहुंचने में 3 घंटे से भी कम का समय लगता है। रूसी सैनिकों की मौजूदगी से पश्चिमी देशों को आशंका है कि वे यूक्रेन की राजधानी कीव में घुस सकते हैं। कीव की आबादी करीब 30 लाख है। पश्चिमी देशों के नेताओं ने आगाह किया है कि रूस अपने पड़ोसी देश यूक्रेन पर हमला कर सकता है और उसने सीमा के तीनों तरफ लगभग 1.5 लाख सैनिकों, युद्धक विमानों और अन्य साजो सामान की तैनाती कर रखी है। रूस ने शनिवार को पड़ोसी देश बेलारूस में परमाणु हथियारों और पारंपरिक युद्धाभ्यास किया। काला सागर तट के पास भी उसके 9 सैनिकों ने अभियान में हिस्सा लिया। उधर अमेरिका ने पुतिन को चेतावनी दी है कि अगर रूस ने युद्ध का रास्ता चुना तो हम त्वरित एवं गंभीर कार्रवाई करने को भी तैयार हैं। रूस अगर यूक्रेन पर हमला करता है तो इसके भारत पर भी भयानक असर पड़ेंगे। आज दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर युद्ध शुरू हुआ तो भारत के शेयर बाजार धराशायी हो सकते हैं। वहीं हमले के जवाब में पश्चिमी देश रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाएंगे, जिससे रूस और भारत के बीच हथियारों की आपूर्ति बाधित हो जाएगी। भारतीय सेना में करीब 60% हथियार रूसी मूल के हैं। भारत को अभी रूस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा है। अमेरिका लगातार जोर दे रहा है कि भारत यूक्रेन संकट में अपना रुख स्पष्ट करे। भारत ने कूटनीति के जरिए इस संकट के समाधान पर जोर दिया है। भारत ने इसी खतरे को देखते हुए सभी गैर जरूरी लोगों को यूक्रेन से चले जाने की सलाह दी है। इसके अलावा तेल के दाम आसमान छू सकते हैं, जो अभी बिना युद्ध शुरू हुए ही $90 प्रति बैरल तक पहुंच चुके हैं। एक अन्य बड़ा खतरा यह है कि रूस अमेरिका के प्रतिबंध के बाद चीन के और ज्यादा करीब जा सकता है, जिससे भारत की परेशानी सीमा पर बढ़ जाएगी। यही नहीं, अमेरिका का ध्यान अब चीन से हटकर यूरोप की ओर बढ़ सकता है, जो भारत और ताइवान के हित के लिए ठीक नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।